पंजाब अते चंडीगढ़ विच गैंगस्टरां दा बोलबाला वधदा ही जा रहा है अते गैंगस्टर अपनियां कोशिशां नूं शरेआम अंजाम दे रहे हन। इस तरह का एक मामला अमृतसर तो सामने आया जिथे गैंगस्टर अते पुलिस विचाले मुठभेड़ हो गई। अजकल गैंगस्टरां दा बोलबाला दिन प्रतिदिन वधदा जा रहा है अते आए दिन ये गैंगस्टर बिना किसी खौफ तो गोलियां चलाउण दीआं वारदातां नूं अंजाम दे रहे हन। अजिही फायरिंग की खबर अमृतसर शहर के मजीठा रोड तो सामने आई जिथे बीते दिन पुलिस अते गैंगस्टर विचाले जबरदस्त झड़प होने की सूचना मिली। सूत्रों मुताबिक इस झड़प दौरान गैंगस्टर वालों पुलिस से फायरिंग भी की गई जिस कारण एक पुलिस मुलाजम के जख्मी होने की भी सूचना है जिसनों निजी अस्पताल विच भर्ती करवाया गया। जानकारी मुताबिक CIA स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली सी कि कुछ गैंगस्टर नशे की सप्लाई देने लिए मजीठिया रोड बाईपास तो गुजरन वाले हैं अते इस सूचना के आधार पर मजीठिया रोड बाईपास से बीती रात नाकेबंदी की गई अते इस दौरान ही उतों लंघ रहे व्यक्तियों को रुकने लिए कहा गया पर वह व्यक्ति बिना रुके नाका तोड़ के अगे निकल गए। पुलिस वालों उन्होंने पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस से गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। इस दौरान दोवें पासियों तो हुई फायरिंग दौरान CIA स्टाफ के कॉन्सटेबल नवतेज सिंह के ढिड विच गोली लगन नाल वह जख्मी हो गया। दसिया जा रहा है कि पुलिस अते गैंगस्टर विचाले लगभग 20 राउंड तो ज़्यादा फायरिंग हुई। मुकाबले तो बाद पुलिस ने दोवों मुलजमान हथियारों समेत काबू कर लिया। जिक्रयोग है कि यह दोवें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग नाल संबंधित दसे जा रहे हैं। दोषियों की पहचान प्रिंस उर्फ जहाज अते राजबीर अंबाला के रूप में हुई। दसनयोग है कि फड़े गए इन्हां गैंगस्टरों विचों एक के खिलाफ 10 तो वध मुकदमे दर्ज हैं। कोरोना काल दौरान पैरोल ते आने तो बाद वह वापस जेल च पेश नहीं होया। दसिया जा रहा है कि इस घटना की सारी वारदात CCTV कैमरे विच कैद हो गई है। अमृतसर तो PBC न्यूज़ लई गुरिंदर सिंह की रिपोर्ट।